Good evening, all of you. Welcome to the class. Ajam hum karenge evolution of male urinogenital ducts. If you see a urinogenital word is combination of two organs, urinary organ and genital organ. Right. That means it includes urinary plus genital duct these are they are, these are the two ducts urinary duct is for uh, you know releasing or transporting urine genital duct is for uh, transporting gametes right but here when we have combined this these two terms and we have formed a new term that is urinogenital this shows that there is a relationship between urinary duct and genital duct. This relationship we will see in our class further. Okay. Now, basically, if you see, there exist two uh, urinary genital ducts in chordates. First one is this is the nephric duct, which is coming from the kidney, right? and

हमने जब किडनी uh, की स्टडी करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी देयर इट वाज़ ऑलरेडी देयर अपार्ट फ्रॉम दिस देयर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ऐसा मानते हैं कि नेफ तुम्हें नेफ्रिक डक्ट की तो फॉर्मेशन बताइए कैसे नेफ्रिक डक्ट की फॉर्मेशन हुई uh, और ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है इट इज़ इट इज़ यू नो फॉर्म बाई टू वेज either by स्प्लिटिंग ऑफ the nephric duct, right? या फिर जो peritoneum है ना peritoneum uh, it you know evaginates वैजिनेट और evaginate वैजिनेट करके कैविटी एनक्लोज कर लेता सीलोम की जिससे कि पैरामिजो नेफ्रिक्ट की फॉर्मेशन होती है तुम्हें याद होगा मैंने एक एग्जाम ये दिखाया था डाइग्राम तुम्हें तो ये देखो कि इसमें जो है ये ये पेरिटोनियम है तो ये पेरिटोनियम जो है एट सर्टेन प्लेस एक ई करेगा यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है नेफ्रिक ये नेफ्रिक डक्ट है यार के नेफ्रिक के नीचे ई करके दोनों रिज आपस में मिल जाएंगे एंड दे विल एनक्लोज अ कैविटी और ये जो है एनक्लोज ट्रिब्यूल जो है इसको पैराजो नेफ्रिक डक्ट का नाम नाम दिया जाता है ठीक है ओके नाउ सिंस आज हम जो है हमारा टॉपिक जो है मेल से रिलेटेड है तो आज हम मेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो स्टडी करेंगे ठीक है ये देखो इन केस ऑफ एनएमोट्स ठीक एनएमोट्स में क्या क्या आते हैं साइक्लोस्टोम्स फिशेस और एम्फीबियंस ठीक है साइक्लोस्टोम्स में यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं होती है जो है विल नॉट कंसिडर दिस केस अदरवाइज आप देखोगे सी ये क्या है एनएमोर्स की जो अडल्ट किडनी है वो वो होती है नेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी यहाँ पर आप देखो ये नेफ्रिक किडनी है इसमें अगर आप देखोगे तो एंटीरियर रीजन जो है उसको ये एंटीरियर रीजन इसको कहते हैं जेनाइटल रीजन क्योंकि और जो पोस्ट क्योंकि जो है इसके एडजॉइनिंग ही टेस्टज लाई करती है पोस्टीरियर रीजन जो है जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है इसको कहते हैं रीनल रीजन ठीक है तो देखो जेनाइटल रीजन में जो ये ट्यूब्यूल्स हैं ज़्यादा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और यू कैन से ऑपिस्थोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स ये ट्यूब्यूल एक्सटेंड करती हैं कहाँ तक टेस्टिस तक और टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ ज्वाइन करके क्या बनाती है वासा एफरेंशिया या वास एफरेंस ठीक है यानी कि ये ट्यूब्यूल्स अब अपना ओरिजिनल यानी कि यूरिनरी यूरिन फॉर्मेशन का काम नहीं कर रही ये ट्यूब्यूल अब मॉडिफाई हो गई है किसमें वास एफरेंस में और वास एफरेंस का काम क्या है टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस ठीक है उसके बाद ये जो वास है वास है इट इज़ ज्वाइनिंग दिस जिसको हमने क्या नाम दिया हमने इसको पहले कहा था ये है आर्किनेफ्रिक ठीक है तो ये देखो ये आर्किनेफ्रिक डक्ट में ज्वाइन हो कर जाती है यहाँ पर हम इस आर्किनफ्रिक डक्ट को बोलेंगे वास डिफरेंस यानी कि वास डिफरेंस और आर्किनफ्रिक डक्ट एक ही है और ये आर्किनेफ्रिक डक्ट जब नीचे की तरफ आती है यहाँ पर जहाँ ये रीनल फंक्शन करती है यहाँ से भी यूरिन जो है पोर हो जाता है इस आर्किनफ्रिक डक्ट या वास डिफरेंस में ठीक है जिसको हमने वुल्फियन डक्ट भी कहा था यानी कि ये वुल्फियन डक्ट जो है वास डिफरेंस का भी काम कर रही है वुल्फियन डक्ट वुल्फ ओरिजिनली जब हमने कहा था वुल्फियन डक्ट क्या कैरी क्या करती है वुल्फियन डक्ट इट कैरीज यूरिन वास डिफरेंस क्या कर रहा है वास डिफरेंस वुल्फियन डक्ट से वास डिफरेंस वास वासरेंस से स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर कर रहा है यानी कि

एमनियोर्स में जो मीज़ो है, मीजोनेफ्रोज जो है इफ यू सी वो जो है ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है बट उसकी जो वुल्फियन डाक्ट है वो परसिस्ट करती है ठीक है और ये वुल्फियन डाक्ट जो है इफ यू सी इट इज़ जॉइन विद वासा एफ्रेंशिया यानी कि टेस्टिस जो है कि जो सेमिनिफ्रेस्टिब्यूल है टेस्टिस की दे कम्बाइन एंड दे जॉइन विद दे फॉर्म वासा एफरे और यू नो इट इज़ अज्यूम्ड एज्यूम किया जाता है कि जो मीज़ोनेफ्रिक टिब्यूल्स थी ना तो ये वास जो है कुछ मीज़ोनेफ्रिक ट्यब्यूल भी प्रसिस्ट करती हैं वोल्फियन डक्ट के साथ और ये मीज़ोनेफ्रिक ट्यब्यूल्स जो हैं ये वास एफरेंस बनाती हैं एंड और उसके बाद जो है दे ओपन इंटू वास डिफरेंस या वल्फियन डक्ट और ये इंडिपेंडेंटली फ्यूज दे आर ओपनिंग इन टू क्लोएका ठीक है या ये जो है मेटानेफ्रिक किडनी है मेटानेफ्रिक किडनी का अपना इंडिपेंडेंट यूरेटर है यूरेटर भी जो है इंडिपेंडेंटली क्लोएका में ओपन कर रहा है तो यहाँ पर आप देखो एम्स में जो पैसेज है यूरिन का वो सेपरेट है और स्पर्माटोजोआ का जो या गैम जो, जो, जो मेल गैमेट का जो पैसेज है वो डिफरेंट है राइट समटाइम्स दे मे ज्वाइन जस्ट बिफोर मर्जिंग इन टू प्रोका बाई अ सिंगल ओपनिंग अदरवाइज दिस इज द यूजल केस ठीक है अब हम एक एक करके जो है ये मैंने तुम्हें एमनस और एन एम्स का यूरिनोजेटल का एक जनरल पिक्चर दी है ठीक है अब हम इंडिपेंडेंट केसेस अलग से देखेंगे सबसे पहले देखते हैं फिशर्स ने ठीक है एनेमन से केस में तुम ये पिक्चर याद रखो अपने दिमाग में कि किस तरह से इफ़ यू सी जो एंटीरियर ये एंटीरियर पोर्शन है ये किस तरह से जेनेटल पोर्शन का काम करता है और पोस्टीरियर पोर्शन जो है किडनी का वो यिनल फंक्शन कैरी आउट करता है और ये डक्ट की जो है पोजीशन देखो डिफरेंस की पोजीशन और वास डिफरेंस की पोजीशन ठीक है ओके अब आप ये देखो कि ये है फिशेस में फिशेस में भी ओके बिफोर फिशेस कम साइक्लोस्टोम्स साइक्लोस्टोम्स में क्या है कि जो किड जो टेस्टिस हैं दे ले स्पर्मेटोजोवा इन सीलोम ठीक है सीलोम में ले स्पर्मेटोजोवा रिलीज करते हैं दे डू नॉट हैव एनी डक्ट न से डू नॉट है क्या होता है कि सिलोम ओपन इन टू यूरिनोजेटल ठीक है एक चैम्बर है और यूरिनोजेनाइटल साइनस है और उसमें एक अपर्चर है और इस अपर्चर और इस अपर्चर के पीछे क्या है सिलोम है तो सिलोम से इस यूरिनोजेटल अपर्चर के थ्रू यूरिनोजेनाइटल साइनस में दर्मैटोजो आर रिलीज और यहां से यूरिनोजेनाइटल साइनस से दे आर रिलीज आउट थ्रू यूरिनोजेनाइटल अपरचर सो साइक्लोस्टोम्स में देर आर नोना यूरिनोजेनाइटल यू कैन से नाउ कम्स फिशेज फिशेस में देखो ये है इलाज़मो ब्रेंस इलाज़मो ब्रेंक्स में क्या है कि अगर आप देखोगे कि दीज आर टू यू नो टेस्टिस और ये दोनों दो टेस्टिस जो है एपिगोनल ऑर्गन से सपोर्टेड है और इन टेस्टिस के बीच में कैविटी है और उस कैविटी से इफ़ यू सी इज गिवन आउट वास ठीक है और वास नथिंग बट मॉडिफाइड मीजो ओपिस्थोनेफ्रिक ने, टिब्यूल ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी होती है ना इसमें तो ऑपिस्थोनेफ्रिक टिब्यूल जो है वो मॉडिफाई होकर वासरेंस बनाती है उसके बाद आप देखो वास इफरेंस जो सीधा जो है ओपिस्थोनेफ्रिक डक्ट में ओपन करती है जो कि हम कहते हैं वास डिफरेंस वास डिफरेंस आप देखो इनिशियली इस एरिया में वो हाईली कॉन्व्यूलेटेड है और इस कॉन्वलेटेड वास डिफरेंस को बोलते हैं एपिडाइडिमस ठीक है एपिडाइडिमिस जो है इफ़ यू सी इट प्रोवाइड सर्टेन यू नो नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोजो ग्रोइंग स्परमेटोज उसके बाद एपिडाइडिमिस के बाद आप देखो दिस वास्ट डिफ्रेंस इट्सली ग्रेजुअली नॉट सडनली इट एंड लार्जस कैन यू सी दिस पोर्शन एंड इट एंड इट प्रोसीड्स टूवर्ड्स द क्लोका उससे उससे पहले आप देखो इट एंड लार्जस एट दिस पॉइंट दिस एंड लार्ज पोर्शन इज नोन एज समनल वेसिकल जहाँ पर टेम्पररी स्टोरेज होता है स्पर्म्स का और यहाँ पर आप देखो इट ओपनस इंटू समाइनल वेसिकल किस में ओपन हो रहा है इट ओपन्स इंटू ये क्या है यूरिनोजेनाइटल साइनस और ये यूरिनोजेनाइटल साइनस के आगे क्या है क्लोएका है दिस इज क्लोएका तो यूरिनोजेनाइटल साइनस से दिस इज यूरिनोजेनाइटल साइनस उससे जो है क्लोएका में स्पॉम्स आर ट्रांसफर्ड यहाँ पर भी वैसे ही दो अपर्चर है यूरोनोजल अपर्चर जो कि पैपिल यहाँ पे एक पैपिले है एक पैप यानी पैपिले की इस तरह से प्रोड्योबरेंस है जिसपे जिस एक पोर होता है जिसके थ्रू दे आर रीज इन टू द क्लोइ ठीक है दिस वॉज अबाउट इलाज्मो ब्रेंग्स अब टीलियोस्ट में क्या है ये देखो टीलियोस्ट में लेबियो का एग्जाम्पल दे रखे टीलियोस्ट फिश में इफ यू सी कैन यू सी दिस होल इज और टेस्टिस इज ओपनिंग इन टू स्पर्म डक ये देखो स्पर्म डक्ट है ये इसको जो है वास डिफरेंस का नाम नहीं दिया क्योंकि वास डिफरेंस जो है क्या है वो एक तरह से वास डिफरेंस जो वुल्फियन डक्ट है बट यहाँ पर स्पर्म डक्ट जो है वो पेरिटोनियम से बनी है यानी कि सीलोम से बनी है ये जो है ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी का पार्ट नहीं है और ये देखो स्पर्म डक जो है लार्ज मोर इट इज ओपनिंग इन टू इट इज़ ओपनिंग बाई यू नो जेनाइटल अपर्चर ठीक है और से जेनाइटल अपर्चर सेट इज ओपनिंग एंड हेयर स्पर्न डक जो है यूरिनरी डक्ट के साथ ये देखो ये यहाँ पे यूरिनरी डक्ट आ रही है और ये, ये जो है स्पर्म डक्ट है ये देखो दूसरी किडनी के लिए इसका तो कन्फ्यूज मत होना ना यहाँ तो पे कॉमन uh, uh, ये डॉक्ट बन रही है स्पर्म डक्ट और डक्ट की के, कॉम्बिनेशन के से और इस यूरिनरी अपर्चर से द स्पर्म्स एंड द यूरिन आर रिलीज आउट ठीक है दिस वाज़ द केस ऑफ टीलियोस्ट ये आप देखो डिप्नोई जिसको हम आ, लं, लंग लंग कहते हैं ये जो है इफ़ यू सी डिप्नोईफिश में आप देखो कि ये देखो ये जो वास डिफरेंस है हेयर ऑल्सो इट इज़ स्पर्म डक्ट ये वो जो है मॉडिफाइड वाज वो नहीं है स्पर्म डक इफ यू सी ये जो है टे, टेस्ट की साइड बाई साइड भी ऊपर तक गई हुई uh, 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 है यानी कि स्पर्म डक स्टार्ट फ्राम द एंटीरियर टिप ऑफ द टेस्ट एंड इट मूव अलॉन्ग द टेस्ट एंड देन इट कंटिन्यूज एज वास्ट डिफरेंस विच इजर नॉट नथिंग बट द स्प एंड स्पर्म डक इट ओपन्स इन टू द क्लोएका ये क्लोएका है और यहाँ पर जो है जेनाइटल पेपिले थ्रू विच इट इज ओपनिंग ओवर हेयर सो हेयर ऑल्सो वास डिफरेंस इज नॉट मॉडिफाइड ऑपिस्थोने ट्यूब्यूल बट इट इज मॉडिफाइड यू नो पेरिटोनियम विच वी हैव कॉल्ड एस स्पर्म डक्ट ठीक है नाउ आफ्टर फिशेज कम्स एम्फीबियंस एम्फीबियस पे हम केवल एक बार फ्रॉग का एग्जाम्पल लेके देख बता दें ये देखो दे, दे, फ्रॉग्स की ये देखो किडनी की पोजीशन है किडनी जो है सॉरी टेस्टिस की पोजीशन है टेस्टिस जो है किडनी के एक्सटीरियर बॉर्डर पर आउटर बॉर्डर पर लोकेटेड है ठीक है अगर हम इसको और एंड करें तो यू सी द पोजिशन ये, ये देखो ये जो ग्रीन कलर की किडनी है उसके एक्सटीरियर एंटीरियर बॉर्डर पर यू सी देर आर टेस्ट टेस्टज आर गिविंग आउट स्मॉल डॉ ये वासन क्या है ये दीज आर नथिंग बट दे आर ऑपिस्थोनेफ्रिक ट्रिब्यूल ठीक है और ये देखो ऑपिस्तोनेफ्रिक ट्रिब्यूल दे आर ओपनिंग इन टू अ लॉन्गिट्यूडनल वेसल जिसका नाम दिया है जिसको कहा है बेडर्स कैनल वॉट इज द नेम ऑफ दिस ड बिडर्स कैनाल और बिडर बिडर्स कैनाल देखो ये मीडियल साइड है ना किडनी की तो बिडर्स कैनाल जो है मीडियल साइड साइड ऑफ ऑफ इज प्रेजेंट एट द द मीडियल किडनी रिसीविंग वॉट है इट इज रिसीविंग नाउ यू सी दैट बिडर कैनाल जो है इट इज ज्वाइनिंग इट ओपन्स इन टू कलेक्टिंग ट्यूब और ये कलेक्टिंग ट्यूब में आप देखो यूरिनीफेरिस ट्यूब्यूल भी ओपन हो रही है राइट सो दिस इज ये जो है कॉमन पैसेज है किसका यूरिनी फेरेस्टिब्यूल की ओपनिंग का भी और बिडर्स कैनाल का एंड दे आर ओपनिंग इन टू दिस यूरिटर और यू कैन से आर्नेफ्रिक डट और यू कैन कॉल इट एज वास डिफरेंस ऑल्सो सो देर इज अ कॉमन पैसेज करेक्ट एंड वेन दिस वास डिफरेंस कम्स आउट ऑफ किडनी एट द पोस्टीरियर एंड हेयर यू विल सी दैट इट यू नो इट नो डाइलेट्स टू फॉर्म समाइनल वेसिकल एंड समाइनल वेसिकल इज फॉर टेम्परेरी यू नो स्टोरेज ऑफ इट इज मैन फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजो उसके बाद आप देखो समाइनल वेसिकल जो है इट दिस वासफरेंस और यू कैन से यूरिनोजेनेटल डक इट ओपन इन टू द क्लोएका एट टू सेपरेट पॉइंट एंड फ्रॉम क्लोएका इज यू नो कॉमन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यूरिनोजेनेटल डक एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर सो दिस वॉज द केस ऑफ फ्रॉग और यू कैन से एन एमनोट्स अब हम आते हैं एमनोट्स पर एमनोट्स पर हम सबसे पहले देखते हैं लिजर्ड्स और यू कैन से रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स में भी आप देखो इफ यू सी देर आर टू किडनीज और इन दीज किडनीज दे हैव स्मॉल डाक्स नोन एज वासरेंस और यू कैन से वासा एफरेंशिया इसको वासा एफरेंशिया भी बोलते हैं और ये वासाइफ्रेंशिया क्या है नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ मीजोनेफ्रिक क्योंकि ये अब लेजर्ट्स आ गए ना तो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स ठीक है और इफ यू सी दिस मीजो दिस वासाइफरेंशिया ओपन्स इन टू वॉट दिस इज वॉट दिस इज वास वास डिफरेंस क्या है देखा जाए तो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वास डिफ्रेंस ओके नाउ हेयर यूल सी दैट वास डिफ्रेंस यहाँ पर थोड़ा सा हाईली कॉन्व्योलेटेड है और इस कॉन्वलेटेड पार्ट को जैसे कि मैंने पीछे बताया था एपिडाइडिमस बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये देखो वुल्फियन डक्ट जो है जैसा कि मिजोन एमनोटिक किडनी में था वुल्फियन डक्ट जो है परसिस्ट करती है टू कैरी द स्पर्मेटोजोवा

अगेन ईच टेस्ट इज एस गॉट यू नो सेवनीफेस्ट टिब्यूल और सेवनीफेरिस्ट टिब्यूल से वासरेंस जो कि मॉडिफाइड किया है बिजोनेफ्रिक टिब्यूल है और ये वासरेंस सारे वासरेंस ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं दे आर फॉर्मिंग वास डिफरेंस वास डिफरेंस देखो इनिशियली कॉन्वोलेटेड है जिसको एपिडाइडिमस बोलते हैं बाद में इफ़ यू सी लेटर ऑन हेयर इट इज़ यू नो जॉइनिंग एंड थोड़ा सा डायलेट होते हैं यहाँ पे डायलेट होके क्या बनाता है समाइनल वेस्टिकल विच इज़ ओपनिंग इन द क्लोएका ये क्लोएका पार्ट है ठीक है यूरोड क्लोएका के यूरोडियम यूरोडियम पार्ट में ये जो है वास्ट डिफरेंस ओपन होता है ठीक है यहाँ पे आप देखो बर्ड्स में जो किडनी अगर आप देखोगे इसकी पोजीशन इट इज़ एंटीरियर वेयर इज इन केस ऑफ लिजर्ड किडनी की पोजीशन जो है वो पोस्टीरियर थी ठीक है ओके ना वी कम टू आफ्टर बर्ड वी कम टू मैमल मैम्स में इफ यू सी यहाँ पे हमने रेबिट का एग्जाम्पल लिया हुआ है इनमें भी आप देखो देखो यहाँ पे जो क्या है इफ़ यू सी कॉर्डल माइग्रेशन हो हुआ टेस्ट का ठीक yeah. है टेस्ट का इफ यू सी टेस्ट जो है टेस्ट एज माइग्रेटेड टू द मोस्ट पोस्टीरियर मोस्ट रीजन और आप देखो इट इज एनक्लोज इन स्क्रोटम ठीक है ओके okay. यहाँ पर आप देखो किडनी के चारों तरफ देर यू नो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्वोल ट्यूब्यूज जिसको हम कहते हैं एपिडाइडिमिस एपिडाइडिमिस में काफ़ी लंबे टाइम तक इफ यू सी इट्स स्टे करता है देन क्योंकि इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट इनफैक्ट इट मैचोर्स इन एपिडाइडिमस फ्रॉम एपिडाइडिमस अ स्ट्रेट ट्यूब यहाँ पर यानी वास डिफरेंस अब स्ट्रेट हो जाता है एंड इट क्रॉसेज ओवर द यूरिटर यूरिटर के ऊपर से क्रॉस होता हुआ इट एंटर्स द यू नो यूटरस मस्क्यूलैनिस यहाँ पर आप देखो ये जो वास डिफरेंस है यहाँ पर भी एनलार्ज है इस एनलार्ज पोर्शन पोर्शन को कहते हैं एम्प्यूला कैन यू सी दिस एनलार्ज पोर्शन ठीक है अगर मैं तुम्हें एक बार जैसे ये दिखाऊँ कि ये यूरिनरी ब्लैडर है ठीक है यूरिनरी ब्लैडर के का एक के, के, नेक है एक तरह से और दोनों तरफ से ये वास्ट डिफरेंस आ रहा है इधर से ये आ रहा है इधर से ये आ रहा है तो इट बोथ द वास्ट डिफरेंसेस दे जॉइन अ कॉमन डक्ट नोन एज यूरिथ्रा और ये यूरिथ्रा कहाँ से आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है सो दे फॉर्म यहाँ से एक कॉमन डक्ट आ रही है दोनों तरफ से और ये जॉइन अ कॉमन डक्ट नोन एज यूरीथरा और ये यूरीथरा जो है इट ओपन्स इन टू अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नोन एज पीनस राइट पीनस इफ यू सी इट इज़ अ यू नो कॉपुलेट्री ऑर्गन इन केस ऑफ मैमल्स राइट एंड इफ यू सी दैट इट इट इज अफ यू सी इट इज अट एनक्लोजेज इज दिस पीनस इट यूरिथ्रा इन इट राइट अगर हम पीनस का सेक्शन ले एट दिस पोजिशन यू फाइंड दैट द पोस्टीरियर मोस्ट एरिया ऑफ इफ़ यू सी पोस्टीरियर एरिया ऑफ पीनस इट कंसिस्ट ऑफ अ हाईली वस्कुलर टिश्यू नोन एज स्पॉन्जियोसम यानी कि स्पॉन्जियोसम जो है वस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है और ये जो है यहाँ पर एनक्लोज करता है किसको यूरिथ्रा को यूरिथ्रा इज सराउंडेड बाय कॉर्पस पॉजियोसम और उसके एंटीरियर टू तो इट देर इज अ टिश्यू नोन तो तो कॉर्पोरा कैवरनोसा तो। जो कि हार्ड लिगामेंटस टिश्यू का बना हुआ है ठीक है नाउ इफ यू सी ओवर हेयर द यूरिथ्रा ओपन एट द टिप एंड द टिप इज इन केस ऑफ मैमल इज सॉफ्ट नोन एज ग्लैंस पैनिस द सॉफ्ट टिप इज नोन एज ग्लैंड पैनिस एंड ओवर द ग्लैंड पैनिस देर इज अट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन जिसको बोलते हैं प्रीप्यूस और फोर स्किन राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेरियस यू नो यूरिनो वेरियस पार्ट ऑफ द यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट इन केस ऑफ कॉर्डल्स ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हालांकि इफ़ यू सी इट इज़ नॉट दैट एक्सटेंसिव पर मैंने जहाँ तक हो सके तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करी है दिस इज ऑल